चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सर्गनरघुनाथान्वितं कं सदीपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्गनलिताश्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पसरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च प्रदीयानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यचारिणे जयपुर यात्रा में तो जयपुर को खूब वृंदावन बोला जाता है, इतना से वृंदावन यात्रा भी है। नॉर्मली सब जयपुर पे पिकनिक स्पॉट की तरह समझते हैं, है ना। पिंक सिटी है और रमणीय स्थान भी है। कुछ लोग शॉपिंग करने आते हैं, घूमने आते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे किले हैं, महल हैं, उनको देखने आते हैं, जल महल है, हवा महल है, आमेर फोर्ट है। पर हम इसलिए आते हैं क्योंकि इसका वृंदावन से संबंध है, क्या संबंध है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम तीन का नाम मंत्र उच्चारण करेंगे। यहाँ पे तीन मुख्य विग्रह कौन से हैं? मुख्य तीन कौन से हैं? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपी। और भी विग्रह हैं, गोस्वामी के विग्रह हैं, तो प्रमुखता इन तीनों को बताते हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो इन तीनों का अलग अलग नाम मंत्र है। ये तीनों विग्रह संबंध अभिधेय प्रयोजन के विग्रह हैं। संबंध का मतलब होता है, संबंध ज्ञान मतलब वो ज्ञान, इसको बलराम जी का साथ जो मेहनत कर तो बलराम जी का भी साथ होगा, सहारा लगाने के लिए। तो संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि वो ज्ञान जो हमें बताता है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, नाम जीवात्मा है, हमारा भगवान से संबंध है कि नहीं, और इस प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, इसको बोलते हैं संबंध। संबंध ज्ञान के आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी संबंध ज्ञान के आचार्य। और संबंध ज्ञान के विग्रह कौन है? मदन मोहन। ये आपको याद रखने है, परसों आपका लास्ट सेशन होगा तो आप सब कुछ ठीक है, जो आंसर देगा उसको बिल्कुल नहीं देगा। जयपुर जी का गोविंद देव जी का ब्लड मंथ हो गए, तो बाकी मंथ जो है मदन मोहन जी का। ठीक है, संबंध के विग्रह कौन है? मदन मोहन। संबंध ज्ञान के आचार्य कौन है? ऐसे से याद रख।
सोचना ऐसो स्नातक हो सो, याद रखने के। फिर अभिधेय, अभिधेय मतलब कि आपने भगवान से अपना संबंध जान लिया है, उस संबंध को जानने के बाद अभी क्रियाएं कैसे होनी चाहिए, क्या करें हुए थे? वो आप इधर देख रहे हो, सामने देखो ना, वो बनाने में मन। तो अभिधेय ज्ञान क्या बताता है? जब आपने संबंध को जान लिया, तो संबंध को जान के आपकी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, क्या क्रियाएं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अभिधेय। खासकर साधना भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं सब अभिधेय में आती हैं। फिर इसके बाद आता है प्रयोजन। अभिधेय का चार्य कौन है? रूप गोस्वामी। और अभिधेय के जो लिख रहे हैं हमें गोविंद, राधा गोविंद, है ना। अभिधेय क्या है? भक्ति की क्रियाएं जो कि संबंध जानने की बात की जाती है। अभिधेय के चार्य रूप गोस्वामी और अभिधेय के जो लिख रहे हैं हमें गोविंद। तो आपने संबंध जान लिया, उस संबंध को जान के आपने उस संबंध को स्थापित करने के लिए कुछ क्रियाएं की जिनको भक्ति योग बोलते हैं, उधर अभी दे। फिर इसके बाद आता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब लक्ष्य। लक्ष्य क्या हमारा? कृष्ण प्रेम, इसको बोलते हैं प्रयोजन। तो प्रयोजन के आचार्य हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारा एक जीवात्मा का भगवान के साथ एक गहरा संबंध होने के बाद कैसे उन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है, भगवान और भक्तों के बीच में कैसे रस का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं प्रयोजन। और इसके आचार्य हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके विग्रह कौन है? श्री गोपीनाथ, इसे बोलते हैं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। क्लियर है? तीनों मुख्य विग्रह क्यों बोले जाते हैं? संबंध के विग्रह कौन है? मदन मोहन। अभिधेय के विग्रह? गोविंद। प्रयोजन के विग्रह? गोविंद। ठीक है, याद है। तो इन तीनों के प्रणाम मंत्र हैं, कोई डिवोटी इसको ग्रुप में डाल सकते हैं। तीनों के संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो मेरे पीछे तो रही टैलेंट संबंध अभिधेय 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 ए बी एच आई डी क्यू आई अभिधेय। और तीसरा क्या बताया? प्रयोजन। तो संबंध के जो विग्रह हैं मदन मोहन, उनका प्रणाम मंत्र है मेरे पीछे तो रही। जय धाम सुर तो पंगो, जय धाम सुर तो पंगो, मम मंद मते गति, मम मंद मते गति, वत् सर्व सपदां भोजो, वत् सर्व सपदां भोजो, श्री राधा मदन मोहनो, श्री राधा मदन मोहनो। मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा परसों करेंगे जब क्रॉले जाएंगे। आज हमारी तो मुख्य चर्चा गोविंद देव जी पर रहेगी, क्योंकि आज शाम को गोविंद देव जी का विजिट करने जाएंगे। गोविंद देव जी का मैंने तीनों दिन विजिट करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन दी है। हालांकि कि साफ भी नहीं है, मंदिर के बिल्कुल पास में है, थोड़ी सस्ती भी थी, तो इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर कम है। दो हफ्ते का हमारा क्या रहेगा कॉम्बिनेशन का, तो उनके लिए हमने मैगी अकोमोडेशन दिया है। कोई पास नहीं है, पर इतनी पास नहीं इतना ही पास, तो सौ नंबर आदमी डाल सकते हैं। फिर गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र है अभी देखा। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमधारा, श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो, श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवो, श्रीमान रास रसारम्भी, श्रीमान रास रसारम्भी, ॐ शिव तटस्थिता, ॐ शिव तटस्थिता, कर्षन वेणु सने गोपी, कर्षन वेणु सने गोपी, गोपीनाथ शिवस्तु न, गोपीनाथ शिवस्तु न। इनके बारे में शाम को चर्चा करेंगे, गोपीनाथ की मूर्ति। तो अभी हम चर्चा करेंगे शिला परमुक्ता शिव गोविंद जी।
बाकी ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगा ताकि जिन जिन मंदिरों में जाए थोड़ा सा आइडिया। दिव्या वृंदा अरण्य कल्प दुर्माला थोड़ा सुंदर सरल श्लोक है। दिव्या वृंदा अरण्य, अरण्य किसको बोलते हैं? वन। दिव्या दिव्य वृंदा अरण्य वृंदावन कल्प दुर्माला कल्प वृक्ष बोलते हैं है ना, ध्रुव मतलब एक। दिव्या वृंदा अरण्य कल्प दुर्माला श्रीमद रत्नागार सिंहासन वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में एक कल्पवृक्ष के नीचे एक रत्नागार रत्न आगार रत्नों से जड़ी एक सिंहासन है। दिव्या वृंदावन में कल्प दुर्माला श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थो उस सिंहासन पर कौन बैठे हैं? शीला राधा गोविंद देव राधा गोविंद प्रेषादि ही सेव्य मानो स्मरण बाकी जो गोपियों की सेवा कर रहे हैं तो ऐसे राधा गोविंद को मैं सिंपल सा सर्च है ना, पढ़ोगे ध्यान से तो आपको याद होगा गोविंद को भी याद होगा। तो इस प्रकार से शीला गोविंद देव जी का प्रणाम होता है। तो जयपुर को गुप्त वृंदावन इसलिए बोला जाता है कि जो वृंदावन के गोस्वामी के जो मुख्य विग्रह हैं वो सब जयपुर में और ओरिजिनल में। अभी हमने जो सॉन्ग गाया था तो आप इसमें देखेंगे वो सब जो ग्रुप के अंदर इस सॉन्ग को मैंने क्यों बनाया है कि जो सॉन्ग है उन्होंने लोकनंदा साहब ने लिखा है और इस सॉन्ग में इन्होंने छठ गोस्वामी को ही ग्लोरीफाई किया। कोई भक्त है जो बिना देखे छठ गोस्वामी के नाम बता सकते हैं? तो ये आप याद करने का वो सरल तरीका है इस सॉन्ग के अंदर लिखा हुआ है श्री रूप सनातन घट रघुनाथ श्री जी प्रभार घट दास इससे आपको याद होगा। सिंगिंग वे में आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा श्री रूप सनातन घट रघुनाथ श्री जी प्रभार घट दास रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दत्त गोस्वामी जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है ए शाही गोसाई करी चरण वंदन जहाँ होते मैं छह गोसाइयों में चरण वंदना करता हूँ जहाँ पे विघ्नों का नाश होता है सारी मन की इच्छाएं पूरी होती है। ए शाही गोसाई जा मुही तार दास दास वर मधरिन मोरा पूज दास। तो ये छह गोसाइयों का मैं अपने आप को दास समझता हूँ और उनके चरणों की जो धूली है वो मेरा पंचग्रास मतलब मेरा भोजन ग्रास होता है ग्रास खाने में मतलब एक निवाले को भी ग्रास बोला जाता है पंच ग्रास मतलब मेरा जो भोजन है क्या है इन गोस्वामियों की चरणों की धूली। भक्ति में तीन मुख्य बल बताए जाते हैं भक्त पद जल भक्त मुख अवशेष भक्त पद धूली क्या है भक्तों के मुख अवशेष भक्तों के चरणों का जल भक्तों के चरणों की यही यहाँ पे लोकनाथ साहब को प्रार्थना तादेर चरण से भी भक्त सन्यास जन्म में हुए यही भक्ति लाभ। साधारणतः लोगों की क्या अभिलाषा होती है क्या अभिलाषा करते हैं भगवान के पास जाके रूपम दही रूपवती भार्य दही धनम देही जन्म देही फॉलोअर्स हो धन हो ऐश्वर्य हो सुंदरता हो है ना रो क्या मांग रहे हैं यहाँ पे तांदेर चरण से भी भक्त सने तांदेर चरण से भी बोलो बोलो क्या है भक्त सने कि जो इन छह गोसाई के चरणों की सेवा करते हैं उन भक्तों का मुझे दास बनना है। क्या अभिलाषा है जो इन छह गोस्वामियों के भक्त हैं उनका मुझे दास दादेर चरण से भी भक्त सनेवास उनके साथ मुझे रहने का मौका है ना। तो आपको इस ज्ञान में क्या मौका मिल रहा है
मौका है, तो लैसे तो आप रिवाड़ी में भी सुन सकते हैं, है ना, दर्शन तो आप रिवाड़ी में भी कर सकते हैं, ऐसा जो ऑनलाइन सुविधा है कई में दर्शन कर सकते हैं। तो यह सुविधा क्या है, तारेर चरण से भी भक्त सन्निवास भक्तों के साथ में रहने का, तो इससे हम अच्छे से भक्तों का संग कर सकते हैं। ये अभिलाषा है प्रभु साहब की, आपको तो 3 दिन के लिए आराम से प्राप्त हो गया, समझ रहे। चाई को साई जावे ब्रज कुलवास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला। इन छह गोस्वामियों ने ब्रज में वास किया, राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को पूरे जन समाज के आगे प्रकट किया। ये प्राप्त हो सके इसलिए भगवान ने उनको इतना कड़ा आदेश दिया। स्नातन गोसाई मिलेंगे भगवान से वाराणसी में, उनको बोलेंगे वृंदावन जाओ, तो गोपालगढ़ गोस्वामी उनको तो दर्शन भी नहीं होते, बचपन में दर्शन होते हैं, सीधे उनको बोल देते हैं कि सीधा वृंदावन जाएंगे स्नातन गोस्वामी से। जीव गोस्वामी हैं उनको विद्या को बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी नहीं जाना है, तो एक बार मिले भी नहीं भगवान से, से मिले उन्होंने सीधा उनको वृंदावन दिया। तो ऐसे करके छह के छह गोस्वामी वृंदावन में इकट्ठे होते हैं। अब वहां पे फिर भगवान के बारे में शास्त्रों को सुना तो बताया जाता है कि रूप गोस्वामी की भक्ति शास्त्रों की रचना करना शुरू करते हैं, कृष्ण सेवा शुरू करते हैं। तो बताया जाता है इनके पास 500 गाय थे, गायों की भी सेवा किया करते थे, एक इन्होंने नियुक्त किए हुए थे गाय की सेवा करने की। तो उनमें से पर अपना अधिकांश जो समय था वो शास्त्रों को लिखने में लगाते थे, तो यही भगवान का मुख्य आदेश था। तो उनके जो गाय के टेका करने वाले व्यक्ति थे वो देखते थे कि उनमें से एक मुख्य गाय है वो एक जगह पे जाके रोज अपना पोती दूध भाग के आती है, जगह है योगपीठ उसको बोलते हैं, वृंदावन में जहाँ पे गोविंद जी का मंदिर है उसी के पास में जगह है, मंदिर प्रांगण में है। तो वहाँ पे वो गाय जाती थी अपने आप रात, अपने आप रात को नहीं मतलब अपने आप उस जगह पे जाके दूध भाग के आती थी, गाय दूध वेस्ट हो रहा है, मुख्य गाय थी दूध वहाँ पे डाल के आती थी। तो ऐसी भी एक थी श्री रूप को सामने उस जगह के पास बैठे हुए थे, और उस दिन उनको बहुत ही विरह अनुभव हो रहा था श्री चैतन्य महापुरुष से। विरह बोलते हैं कि विछोड़ा जैसे बोलते हैं, सेपरेशन, बहुत उनको स्मरण हो रहा था, महापुरुष से दूर थे। तो चैतन्य शिक्षाशय कैसे भी उन्होंने कुछ कविताएं वगैरह इस तरह से कुछ श्लोक वगैरह भी लिखे, उनका उच्चारण कर रहे थे। तो उसी दौरान देखते हैं कि वो गाय वहां पे दूध बहा रही होती है उसी जगह, खुद देखते हैं तो उनको लगता है कि इसमें कुछ दिव्य संदेश है। कई बार कुछ ऐसा समय होता है कि वो कुछ चीजें ऐसे दिव्य तरीके से होती हैं, सेपरेशन भी अनुभव हो रहा है, गाय भी दूध बहा रही है, उनको लगता है कि जरूर सच कुछ ना कुछ यहाँ पे है ना। तो जाते हैं ब्रज के अंदर, ब्रजवासियों को गांव वालों को बुला के लेके आते हैं कि ऐसे ऐसे जरूर यहाँ पे कुछ है, तो आप सब वहाँ पे आके खुदाई की, सब अपने कस्सी वगैरह लेके आते हैं, कुल्हाड़ी वो बोलते हैं उसको, कुदाल जो खोदने का सामान होता है इंग्लिश में स्पेड वगैरह बोलते हैं उसको, तो सब लाते हैं। तो बताया जाता है कि 5 मंजिल तक खुदाई करते हैं, ये 1 मंजिल हो गई उस टाइम पे, तो ये बहुत बड़ी बड़ी मंजिल में होती, कभी छोटा था। तो ऐसी 5 मंजिल नीचे तक खुदाई की जाती है, फिर वहां से गोविंद देव जी का लिंग है वो प्रकट हो जो भी दर्शन होने जाए। और गोविंद देव जी के विग्रह बनाए कैसे गए, ये जो भगवान श्री कृष्ण के जो पर पुत्र थे, पुत्र के पुत्र के पुत्र, उनका नाम था वज्रनाभ, वज्रनाभ भगवान के अप्रकट होने के बाद मतलब 5000 साल पहले, तो मथुरा के राजा भी थे। तो उस टाइम पे उत्तरा माता के
निर्देश के अनुसार कि उत्तरा माता ने भगवान को देखा था, है ना। उत्तरा माता कौन थी? परीक्षित महाराज की माता, है ना। उन्होंने भगवान को देखा था, जब भगवान परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर जाके बचाते हैं, तो उनके बताने के अनुसार कि ऐसे भगवान दिखते हैं, उन्होंने मुख्य तीन विग्रह उन्होंने चार करवाए थे, गोविंद देव जी, गोपीनाथ और मदन। कुछ और विग्रह थे, हरिदेव जी के विग्रह हैं गोवर्धन के अंदर, और एक केशव जी हैं मथुरा में, वो भी उन्होंने काल करवाया। पर समय के प्रभाव के अनुसार वो जो विग्रह थे वो लुप्त हो गए थे, मतलब नीचे जमीन में कुछ पा दिया गया। पुजारी विग्रह कुछ पा सकते, कुछ पा देते। तो वही विग्रह हैं जो विश्वल रूप गोस्वामी उस टाइम पे उस जगह से उनको प्रकट करते हैं। वो स्थल अभी भी है वृंदावन जी। तो विग्रह को निकाला जाता है, उनकी स्थापना की जाती है, तो बहुत ही सरल तरीके से कुछ मंदिर टाइप का बनाया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से उनकी सेवा की जाती है। हालांकि रूप गोस्वामी ने सब कुछ सरल तरीके से रखा था, पर जो भगवान को भोग लगाते थे बहुत ही भव्य तरीके से लगाया जाता है। जैसे अमृत केली, नाम सुना आपने? अमृत केली कहाँ सुना ना? चिंचोरा गोपी। किन किन ने नाम सुना है पहले अमृत केली? भाई तो कभी नहीं होगी, है ना, आपने थे ना कभी गए हो गए हो रेवाड़ी का गेम यूथ को नहीं लेके गए, कॉन्ग्रीगेशन को भी ले गए, कॉन्ग्रीगेशन में जमुना नहीं जा पाया, थोड़ा सा अलग से आ रहा था बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, एक दिन चाहिए। तो अमृत के लिए पहुँचते हैं, बहुत स्पेशल टाइप की खीर होती है जो कि अमृत के समान है, इसलिए इसका नाम है अमृत के। भगवान भूल गए, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए, तो उसका भोग लगाया जाता था भोग देते। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से उनकी सेवा अर्चना चल रही थी। तो एक दिन रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिख के भेजते हैं कि गोविंद देव जी की सेवा में मेरा इतना समय चला जाता है, तो मैं चिंतित हो रहा हूँ कि आपका जो आदेश है उसका पालन नहीं कर पा रहा। समझ रहे क्या चिंता हूँ? क्या चिंता है? कर क्या रहे हो? गोविंद देव जी की सेवा कर रहे हो, वही भगवान की सेवा है, है ना। तो गोविंद देव जी में और श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद है? नहीं। तो फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि गोविंद देव जी की सेवा के कारण आपकी सेवा छूट रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु की भूमिका में है, वही तो उनको बताते हैं आदि है त्योहार नाम रूप सनातन, है ना। तो कह रहे हैं कि भगवान की सेवा के कंपैरेटिवली आपकी सेवा नहीं हो पा रही, मतलब आपकी सेवा ज्यादा जरूरी है। ये शास्त्र का सिद्धांत है, हम भगवान को अप्रोच करते हैं गुरु के माध्यम से, डायरेक्टली हम भगवान को अप्रोच नहीं करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने निजी पार्षद काशीश्वर पंडित उनको बोलते हैं कि आप जाओ वृंदावन में, वहां पर जाए गोविंद देव जी की सेवा को संभालो, ताकि रूप गोस्वामी वो कार्य कर सके जिनके लिए मैंने उनको भेजा है। जब गुरु देखते हैं कि शिष्य है ओवरबर्डन हो गया है, तो गुरु फिर उसको सपोर्ट देते हैं, ताकि मुख्य चीज से उसका जो ध्यान है वो हटाई। अब काशीश्वर पंडित थे श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जगन्नाथपुरी में, तो भगवान को कौन छोड़ सकता है? कह रहे कि आपको छोड़ के मेरा तो वृंदावन जाने का इच्छा नहीं है, आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ। तो ये भगवान उनको एक विग्रह देते हैं, छोटे से विग्रह हैं, कि आप इन विग्रह को लेके जाइए, मेरे में और इन विग्रहों में कोई भेद नहीं है, इनका सानिध्य प्राप्त करोगे तो मतलब मेरा सानिध्य आपके साथ, ये समझ लीजिए, मतलब है ही वहाँ मुझे और इन विग्रहों के अंदर। तभी जब हम दर्शन करने जाएंगे तो राधा गोविंद जी के राइट साइड पे
हमारे लेफ्ट साइड पे छोटे से विग्रह दिखेंगे, उन डिटीज का नाम है गौर गोविंद। क्या नाम है? गौर गोविंद। गौर मतलब फीचर है वहाँ, वो गोविंद मतलब कृष्ण, क्योंकि भगवान ने बोला था कि मेरे मन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या है? गौर गौर गोविंद। तो ये विग्रह देके काशीश्वर पंडित को भगवान भेजते हैं। फिर काशीश्वर पंडित आते हैं, वो गोविंद देव जी की जो पूजा अर्चना है वो शुरू करते हैं। पहले से वही रही होती है, रूप गोस्वामी फ्री हो जाते हैं अपना कार्य करने के। और इसी दौरान सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है ना, पर भगवान को अपने भक्तों का आराम पसंद नहीं है, चलचल होनी चाहिए। जैसे हमारे होते हैं ना रेवाड़ी में, जब थोड़ी सेटिंग होती है तो भगवान सेंटर चेंज करवा देते हैं। तीसरा सेंटर हो गया, वहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी आने लगती है, वहाँ मेरा निकलो यहाँ से और आगे बढ़ो, हमें लगता है क्यों यहाँ से जाना पड़ रहा है, फिर नई जगह पता था बड़ी जगह मिली है, फिर वहाँ जाके भी पता लगता है कि वहाँ से निकलो, फिर भगवान और बड़ा कर देते हैं। तो भगवान की योजना होती है। तो उस टाइम पे जो मुस्लिम शासक थे उनका नाम था अकबर, अकबर किनके पुत्र थे? हुमायूं। तो 14 साल की आयु में ही हम सबको पता है, आपने मेरी हिस्ट्री पढ़ी हो, तो अकबर राजा बनते हैं। मैंने पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा, एक लेक्चर सुना था उसमें से। तो अकबर थे, पर जो अकबर थे बहुत ही उस दृष्टि से अच्छे राजा थे, इतने क्रूर नहीं थे बाकी मुगल शासकों की तरह, और थोड़ा सा इनका भाव था कि मिलजुल के रहते थे। उनके कुछ मुख्य लोग भी थे, उसमें से बहुत फेमस हैं, वो क्या नाम है उनका, बिल्कुल बहुत सी कहानियाँ भी इनकी कभी बिल्कुल सुनने को मिलती हैं। अकबर की एक पत्नी भी थी रोदा भाई के नाम से, एक सीरियल भी आता था रोदा भाई, मतलब मुस्लिम को हिंदू कम्युनिटी से। तो अकबर के बहुत अलायंसेस भी होते थे, संधियाँ भी होती थी राजपूतों के साथ। तो उस टाइम पे राजा थे मानसिंह, राजपूतों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत सी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी। तो एक बार अकबर उनको बोलते हैं कि आप इसमें पूर्व ईस्टर्न इंडिया कि पूर्व दिशा में थोड़ा सा लोगों के अंदर मेरे खिलाफ रिबेलियन का बोलेंगे विद्रोह उत्पन्न हो रहा है, तो जाके उसको शांत करो। स्ट्रॉन्ग राजा थे राजपूत थे ना, और अकबर को भरोसा भी था, तो जाते हैं वहाँ पे। तो जाने से पहले कि रास्ते वृंदावन था, कि वृंदावन होते हुए जाते हैं तो गोविंद देव जी के मंदिर में रुकते हैं, कि गोविंद देव जी से आशीर्वाद लेके जाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे जो राजा होते थे वैष्णव होते थे, खास करके जो इस एरिया के जो राजा होते थे राजपूत वैष्णव थे। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोग वैष्णव से। तो गोविंद देव से प्रार्थना करते हैं, अगर मैं विजयी हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा। और रूप गोस्वामी से बहुत प्रभावित होते हैं, जब पता लगता है कि ये तो बहुत बड़े पोस्ट पे थे ना, खुद भी राजा थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके भाई प्रधानमंत्री थे, तो छोड़ के आगे वैरागी जीवन जी रहे हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं अपने साथ है ना, तो उनको अच्छा लगता है। तो रूप गोस्वामी उस टाइम पर ऐसे कुछ खास इच्छा नहीं होती कि मंदिर वगैरह बनवाना है, बोले ठीक है आपकी इच्छा होती है। जाते हैं अपना जीत के 4-5 महीने के बाद आते हैं, और उनको याद आते हैं मैंने प्रॉमिस किया था। फिर अकबर उनको बताया जाता है आई थिंक 20 लाख या 2 लाख ऐसे कुछ है कुछ अमाउंट, इतने गोल्ड कॉइन्स देते हैं मंदिर बनाने के, स्वयं अकबर देते हैं। और जो लाल पत्थर सबसे बहुमूल्य जो रेड सैंडस्टोन का पत्थर होता है, उस पत्थर से मंदिर बनाते हैं। पत्थर भी कह सकते हैं मोटे मोटे पत्थर, आप सब गए हैं देखा होगा आपने, पूरे लाल पत्थर से मंदिर बनता है। तो लाल पत्थर ऐसा था कि वो केवल जो सरकारी इमारतें थी उसको बनाने के लिए घुसते रहते, लोकल था उस टाइम पे,
वो इतना फेवरेबल था एक तरीके से, राजा महा सिंह उन इतने अच्छे वैष्णव थे, उनकी इच्छा थी कि भगवान के लिए इतना भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो सात इमारतों लंबा, सात इमारतों वाला इतना लंबा मंदिर और निर्माण किया, बिल्कुल महल की तरह होता है। देखा ना हमने वृंदावन में, सबने देखा होगा ना, है कोई जिन्होंने नहीं देखा है राधा गोविंद जी का मंदिर? नहीं देखा आपने? ठीक है, गूगल पे देखना, हमारे कमर में देखा आपने वो छोटी फोन की फोटो लगे देखा सोफे के पास, इन्होंने बनाया था सिर्फ तो गोविंद जी का मंदिर के आगे की पीछे मंदिर। तो सात मंजिला मंदिर था, बहुत ही भव्य मंदिर था, मंदिर ही भव्य हो गया, गोविंद जी की पूजा वैसी भव्य तरीके से हो रही थी, और तो मां सिंह का वैसी लगाव हो गया, तो बहुत बड़े बड़े मर्यादिक रत्नों के साथ भगवान का श्रृंगार किया जाता, हीरे जवाहरात इनके भगवान के मुकुट बनाए जाते थे, उनके नेकलेस बनते थे, बहुत ही भव्य तरीके से उनकी पूजा होती। तो शुरुआत में तो गोविंद देव जी अकेले थे, क्योंकि पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी, हमारे संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी जी के आने के बाद राधा रानी की साथ में वर्षिप होनी शुरू होती है, कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है ये बहुत गोपनीय है शास्त्रों में, राधा रानी की स्थिति बहुत गोपनीय है, हर कोई नहीं समझ सकता है, हर किसी को पता भी नहीं है। तो श्री चैतन्य महापुर के आने के बाद राधा रानी की जो महिमा है उसका प्रचार हुआ, जैसे श्री चैतन्य महापुर के लिए सॉन्ग गाया जाता है, यदि गौर ना हुई तो तवे की हुई तो केमन धरी तो राधा रम महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना थी। अगर श्री चैतन्य महापुर नहीं आते धरा धाम पे तो कौन श्रीमती राधा रानी की महिमा को समझता, राधा रम महिमा राधा रानी की महिमा को कौन समझता, प्रेम रस सीमा कि कृष्ण प्रेम की क्या सीमा है उसको कौन समझता, जगत है जानत के इस जगत में कौन समझता। तो श्री चैतन्य महापुर के आने के बाद विस्तार से श्रीमती राधा रानी की जो सेवा है भगवान श्री कृष्ण के साथ वो प्रारंभ होती है। तो पहले गोविंद देव जी अकेले थे, इसलिए मोस्टली हम लोग नाम सुनते हैं गोविंद देव जी का मंदिर ये सुनते हैं, है ना, गोविंद देव जी के दर्शन करके आए हूँ, गोविंद देव जी का मंदिर, है ना। राधा रानी तो बाद में आती है, कि बाद में जानना माता हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हैं नित्यानंद प्रभु की भार्य जी, तो वो फिर बंगाल से राधा रानी के जो विग्रह हैं वो स्थापित करते हैं। गोविंद देव जी के विग्रह आप देखेंगे कि स्टोन फॉर्म में है और राधा रानी का ब्रास फॉर्म में है, राधा रानी स्टोन फॉर्म में नहीं है। अगर राधा गोविंद देव जी एक साथ बने होते तो राधा रानी भी स्टोन फॉर्म में होती, तो राधा रानी के विग्रह बाद में इंस्टॉल किए। तो राधा रानी आती हैं, गोविंद देव जी आ जाते हैं, और कौन है, गौर गोविंद छोटे विग्रह वो आ जाते हैं, तो साथ में गोविंद देव जी के मंदिर में एक और विग्रह होते हैं जिनका नाम था श्रीमती बिंदा देवी। बिंदा देवी कौन है, तुलसी महाराज, है ना। तो ब्रह्मकुंड नाम की जगह है वहाँ पे वो विग्रह प्रकट होते हैं, तो उन विग्रह को भी उसी गोविंद देव जी के मंदिर में उनकी पूजा की जाती थी। तो बिंदा देवी को क्या बोलते हैं, वो ब्रज की जनरल मैनेजर है, क्या है, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर क्या करता है, पूरे एरिया को मैनेज करता है, तो बिंदा देवी पूरे वृंदावन को मैनेज करती हैं इस तरीके से कैसे भगवान की लीलाओं के लिए उपयुक्त वातावरण क्रिएट किया है। इसे भगवान ने अपने वन का नाम कृष्ण वन या राधा वन नहीं दिया है, क्या दिया है, वृंदावन। बिंदा देवी इतनी प्रिय हैं भगवान, तो उनके पास एक टीम है, पता किस चीज की टीम है, तोतों की टीम है, पैरट्स की। जब भी बिंदा देवी का विग्रह देखेंगे तो आपको पैरट दिखेंगे साथ, नकली भी होंगे, नकली ऑर्डर में लगाए जाते होंगे, असली भी हो सकते हैं, वृंदावन में जाएंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पे ऑर्डर में पैरट है, तो क्योंकि पैरट्स की टीम है, उनमें जो मुख्य पैरट है उसका नाम है दक्ष, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, है ना। तो पैरट्स के माध्यम से उनको पता लगता है कि राधा कृष्ण कहाँ पे जाने वाले हैं,
उन पैरेट्स के माध्यम से वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं ब्रज के अंदर भगवान की लीलाओं को मैनेज ऑर्गेनाइज करने के लिए। कथा ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो राधा कृष्ण की लीलाओं को ऑर्गेनाइज करवाते हैं वृंदावन, तो उनके विग्रह भी वहाँ पे वर्शिप किए जाते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? गोविंद देव जी के मंदिर में है ना, रूप गोस्वामी ऊपर से निरीक्षण करते हैं। क्या सब अच्छा चल रहा था? फिर धीरे धीरे अकबर के बाद कौन आते हैं? औरंगजेब, शाहजहां, नहीं जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। वो औरंगजेब बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे है ना, पहले तो अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, इसने पहले ही ताजमहल बना दिया, इतना खर्चा कर दिया, अब काला ताजमहल बनाना चाहता है ना, इससे पहले कि सारा कोष खत्म कर दे इसको ही पहले जेल में डाले, और बाकी दोनों भाइयों को मरवा दिया, खुद राजा बनना था। राजा बनना मतलब इतने क्रूर व्यक्ति थे, जो अपने पिताजी को जेल में डाल सकता है, उनको इतना दरबा सकता है, तो क्रूर तो है ही, बाकी धर्मों के लोग तो फिर उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे एक दिन कोई उनका थी ईद वगैरह थी, कुछ अपना नमाज पढ़ के वो आ रहे थे मस्जिद से, तो उस दिन एक बहुत ही स्पेशल डे था, और उस टाइम पे गोविंद देव जी के मंदिर के टॉप में 51 दीप जलाए गए थे। गोविंद देव जी के मंदिर के टॉप में एक जो दीप था निरंतर चलता रहता था, बहुत बड़ा दीप 24 आवर चलाया, और उस दिन स्पेशल डे था तो 51 दीप चलाए गए थे। तो औरंगजेब उस टाइम आई थिंक आगरा वगैरह में रहते थे, मुंबई राजधानी थी मुगल एम्पायर उस टाइम पे, तो देखते हैं कि आसमान से इतनी ऊपर से इतना बड़ा तारे की तरह क्या चमक रहा है, बड़ी रोशनी आ रही है। तो अपने मिनिस्टर से पूछा, मिनिस्टर ने बताया कि हिंदुओं का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, किसने बनाया है? अकबर ने बनाया, कितने रुपये दे के बनाया, इतने लाख उसने स्वर्ण मुद्राएं दी थी, इतना बनाया है ना, तो इतनी बड़ी मस्जिद तो बनाई नहीं उसने, हमारा मंदिर बना दिया है ना, तो क्या करो, इस मंदिर को टूट जाना चाहिए, इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए, हमें सब उठा के देखना होगा। तो कल सुबह उनको सेना को आदेश दे देते हैं कि जाओ इस मंदिर को ध्वंस करो। तो उसी सेना में एक राजपूत व्यक्ति होते हैं, सैनिक होते हैं, तो उनको पता लग जाते हैं, और रात ही रात वहाँ पर दौड़ के आते हैं। तो उस मंदिर में उस टाइम तो ये तो रूप गोस्वामी के बहुत प्रकट होने के बाद की बात है, इतने तो राजे बदल गए, अकबर के बाद दो तो राजे बदल चुके हैं, 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उसी के आसपास रूप गोस्वामी आते हैं, और ये तो 1600 के आसपास की बात है, 1400-1500 के आसपास श्री चैतन्य महाप्रभु की बात है, 1600-1700 की बात है। तो उस टाइम पे एक और पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, जो कि उस टाइम पे गोविंद देव जी की वर्शिप किया करते हैं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, श्रीनिवास ऐसा कुछ नाम था। तो उनको जाके रात को उठा के बताते हैं है ना कि उठो, कल सुबह को मुगल सेना यहाँ पे पहुंच जाएगी, अकेले घोड़े भाग भाग के आते हैं, तो इतना समय है आपके पास, इतने समय में कुछ कर सकते हो तो करो, कल को यहाँ पे सब ध्वंस हो जाएगा, सेना वहां से निकल चुकी है। तो सबसे पहले उनका ध्यान किस चीज पे रहता है? किसको बचाने के लिए जाता है? भगवान मंदिर के जो धन है उसको बचाने में जाता है, सबसे पहले भगवान के विग्रह। कौन कौन से विग्रह है? राधा देव, राधा रानी, गोविंद देव, गौर गोविंद और वृंदावन। तो इन सारे विग्रहों को मंदिर के पीछे एक कुंड था, गोविंद कुंड, उस कुंड में डाल दिया था, पानी के अंदर डाल दिया था।
और इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है मंत्रियों को बचाने वाली? शास्त्र। कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कि आपने ग्रंथ को लिखा, अगले दिन वो ग्रंथ पूरा आपका हजारों कॉपी छप गई थी, उसकी ई बुक बन गई, हाथ से लिखनी पड़ती थी ना। तो अब रूप गोस्वामी, छह गोस्वामी, इसका सबसे मुख्य देन क्या थे? उनके द्वारा दिए गए ग्रंथ शास्त्र, उसी के लिए भगवान ने भेजा था। तो ये शास्त्रों को अच्छे से, पहले शास्त्र लिखने के तो बुक्स भी नहीं होती थी, पेड़ पत्तों के ऊपर लिखा रहता, ताल के पत्तों के ऊपर लिखा रहता है ना, उनको लकड़ी के डिब्बों के अंदर बांध के रखा रहता। तो उन ग्रंथों को बचा के जो भक्त हैं वो भागते हैं, कोई किस दिशा में भागता है, कोई किस दिशा में भागता है, कि ये ग्रंथ हमारे बचने चाहिए। उस दिन वो ग्रंथ नहीं बचाते हमारे पास अब ग्रंथ नहीं होता ना, तुम पूरा भक्ति शास्त्री कोर्स करवाते हैं नेक्रो इंस्ट्रक्शन के ऊपर, नेक्रो डिवोशन के ऊपर है ना, हमारा कोर्स होता है पूरा स्पॉन्टेनियस। बीजा भाव ताम्रित हम पढ़ते हैं सनातन गोस्वामी के द्वारा दी गई, उज्ज्वल नीलमणि है, ललित माधव है, दग्ध माधव है, तो अनगिनत बुक्स हैं गोस्वामी से, तो उसको बचाते हैं, बच्चों और स्त्रियों को बचाते हैं। उसके बाद कुछ लोग चले जाते हैं छोड़ के मंदिर, और कुछ कहते हैं कि हम तो मंदिर में ही रहेंगे, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए हम मंदिर छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर अगले दिन आते हैं मुगल सेना, जो वो करते हैं अपना करते हैं, मार काट सब कुछ करते हैं है ना, और गोविंद देव जी के ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ देते हैं। अभी जो आप देख रहे हो बची हुई 4 मंजिलें हैं, 7 मंजिल अभी भी इतना लंबा लगता है, कर्ण उठानी पड़ती है, उस टाइम पर सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। और ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने में उनको 2 महीने लग जाते हैं, इतना स्ट्रांग मंदिर में अभी पत्थर पत्थर वहां खड़े होने में। तो इतने में थोड़ा सा औरंगजेब को थोड़ा अकल आती है, कुछ इंसिडेंट होते हैं उनके साथ, तो फिर अपनी सेना को वापस बुला देते हैं, बहुत कुछ उसके पूरी चीजें होने शुरू हो जाती है। क्योंकि ये इस बात को हमें समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं है भगवान को मंदिर से निकालने की, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर भगवान मंदिर से गए हैं तो मतलब ये उनकी इच्छा है ना, अदरवाइज भगवान को कौन निकाल सकता है ना। सर की एक छोटी सी नाड़ी भगवान हिला देंगे उसका सब कुछ हिल जाएगा, ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, एक नसी काट दें सर के अंदर, ऐसा ब्रेन हैमरेज होगा उठ भी नहीं पाएगा ना, तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है। पर अगर वो हो रहा है कुछ तो मतलब भगवान की इच्छा है, कि भगवान अपने अलग अलग भक्तों से अलग अलग प्रकार की सेवा को करें। जो अच्छे ग्रह हैं उनका बहुत अलग अलग कारनामा होता है, बहुत से हम स्टोरी सुनते हैं, साक्षी गोपाल जी की स्टोरी है ना, किशोर गोपीनाथ की स्टोरी हम सुनते हैं, जगन्नाथ जी के तो अनगिनत पास टाइम है ना। तो ऐसे ही राधा गोविंद देव जी की इच्छा थी कि और से सेवा लेने की। तो फिर मुगल सेना जब जाती है तो फिर इन विग्रह को वहां से निकाला जाता है। बाद में फिर सोचा था कि अब यहाँ के विग्रह को रखना ठीक नहीं है, बहुत से विग्रह तो पहले ही जा चुके थे वृंदावन को छोड़ के, राधा रमन देव जी के विग्रह छोटे से हैं, उनको तो वृंदावन में छुपा दिया था, उनको वृंदावन से नहीं निकाला गया। तो फिर 2 बैलगाड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो फिर विग्रहों को वहाँ से निकाला जाता है, पूरा संरक्षण के साथ आगे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पूरा जितना वो कर सकते थे उतना करके धीरे धीरे बैलगाड़ियों में रख के विग्रह को निकाला जाता है। तो सबसे पहले विग्रह कौन से? राधा कुंड गोवर्धन में, राधा कुंड तो गए ना, सिर्फ ये ना सिर्फ राधा कुंड, कोई है तो नहीं है आपको कार्ती में ले जाना पड़ेगा। तो राधा कुंड में एक बिल्डिंग है, लंबी सी बिल्डिंग है, तो मैंने देखी नहीं है, देखी है अंदर नहीं गया। तो वहां पे कुछ समय के लिए
वहाँ पे गोविंद जी को रखा रहता है, वहाँ पर उनकी सभा होती है ना। तो फिर बता था कि ये भी सेफ नहीं है, या तो मुस्लिम जोन के अंदर ही है ना। फिर उनको वहाँ से निकाल के जगह है कामनेवर, वहाँ पे ले जाया जाता है। तो उस टाइम पे वो जगह आती थी राजा राम सिंह के राज्य के अंदर, उनके राज्य के अंदर आते। ठीक है, जो राजपूत राजा है कोई बात नहीं, वहाँ पे सेवा चलना शुरू। तो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे भी जब विग्रह आ गए तो फेस्टिवल बनने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पर 38 के आसपास फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। अब तिरुपति मंदिर में आप जाएंगे तो 300 से ज़्यादा फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट हुए थे साल तक, ऐसे 265 ऐसा कुछ हमारे 250-300 के बीच में फेस्टिवल सेलिब्रेट। तो गोविंद जी अब वहाँ पर आ गए, उनकी पूजा करना शुरू हो जाती है। तो फिर उनको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि जब प्रसिद्धि फैलेगी तो पता लग जाएगा गोविंद देव यहाँ पे, हो सकता है कि मुस्लिम राज्य आगे वहाँ पे राजा आगे वहाँ पे अटैक कर ना। तो इसी दौरान क्या होता है कुछ मुस्लिम सैनिक आते हैं वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, और जो वहाँ के जो जराट वगैरह होते हैं जो गोविंद देव जी की सेवा में नियुक्त होते हैं है ना, तो वो सब क्या करते हैं उनको मार देते हैं, खुद ही हमला करके मार देते हैं। ऐसे गुस्सा तो होता है, पर अब क्या होता है कि उनको मार दिया क्या होगा, उसी से ना है ना। तो वहां से भी फिर ड्यूटीज को शिफ्ट करने की तैयारी की जाती है। टोटल जब औरंगजेब ने अटैक किया था और भगवान यहाँ पे आए थे, इसी दौरान पूरे 50 साल लगते हैं, 50 साल पूरी यात्रा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कामे वन से फिर कौन कौन से लिख रहे हैं, कौन कौन से लिख रहे हैं, लिख रहे कौन कौन से हैं जो लेके जा रहे हो बैलगाड़ियों में रखे, तो ध्यान से सुनना आप, इतनी दूर से आए तो ध्यान से सुनिए। तो ट्रेन में बैठते हैं ऑफिस का शेड्यूल था, मैं सुन रहा था जाग के तो अब विंदा देवी कौन है, तुम्हारी और क्या डेजिनेशन है उनकी, तो विंदा देवी कहती है मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर मैनेजर चला गया अपने एरिया से बाहर मतलब उस एरिया के ऊपर कब्जा हो गया। ये तो ब्रज की घटना से मिस्त्री के समान है, कृष्ण तो जा सकते हैं पहले भी जा चुके हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो पुजारी के सपने में आके बोलती हैं कि मैं तो यहाँ से, तो बहुत प्रयास करते हैं नहीं उठते लिखते हैं, इतने भारी हो जाते नहीं उठा, क्योंकि वो जो कामने पर एक तरह से बॉर्डर पे है ब्रज। तो अभी जो विघ्न है वो वहीं पे है, कामने वन नाम की जगह है, वन है उसमें मंदिर है, तो वहाँ पर विंदा देवी के वो विग्रह कैसे सेल्फ मैनिफेस्टेड, इन बोला ब्रह्मकुंड में प्रकट होते थे बनाए नहीं गए, तो आज वो विग्रह भी है कामने वन। फिर यहाँ से इन विग्रह को हटा के गोविंद, अब कौन बचे, राधा रानी गोविंद देव और गौरव देवी, तो इन विग्रह को फिर हटा के फिर एक किसी और जगह पर रखा, वो भी एरिया राजा जो राम सिंह थे उनके क्षेत्र के अंदर थे, पर वहाँ पे उनकी जो विग्रह की जो सेवा थी बहुत ही सिंपल तरीके से होती थी, मतलब ज़्यादा भव्य रूप से नहीं हो पाती थी, वैसे छुपा के रखा गया। और इसी तरह वो पुजारी भी शरीर छोड़ देते हैं, राजा राम सिंह भी शरीर छोड़ देते हैं, राजा राम सिंह के बाद होते हैं राजा जय सिंह, जिनके नाम से जयपुर जिला। तो उनको फिर पुजारी पत्र लिखते हैं कि हमें ये भगवान के उपयुक्त जगह नहीं है, हमें कुछ भव्य जगह चाहिए जहाँ पर उनकी सेवा अच्छे से हो सके। फिर वहाँ से उनको लाया जाता है आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट में वहाँ पर रखा। तो फिर वहाँ पे जो जय सिंह थे राजा, उनको बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे,
बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सेवा को बहुत बहुत तरीके से अरेंज करते हैं। फिर वो देखते हैं कि भगवान के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह होनी चाहिए, तो किला है। किला में सब पता है कैसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं पहाड़ के ऊपर, खासकर इस एरिया में देखो ना जो जितने भी किले हैं वो सब पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं। डिफेंस का मैकेनिज्म होता है, सुरंगें भी होती हैं उसके अंदर। मुझे याद है मैं बहुत देर पहले आया था जयपुर में, उदयपुर फोर्ट है, आमेर फोर्ट भी होंगे वहाँ, तो उसके नीचे से एक सुरंग जाती है और उसके साथ वाली पहाड़ी वहाँ पे एक बहुत ऊंचा एक बना हुआ है जो एक किला बना हुआ, तो वहाँ पे जाके सुरंग खुलती है। अटैक के समय वहाँ से घुसते थे ऐसे ऐसे, तो ये तो किले के अंदर भगवान का रहना ठीक नहीं है। तो ये देखते हैं यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कनक वृंदावन। कनक मतलब सोना, तो सूर्य की रोशनी में बड़ा सुंदर और रमणीय वो स्थान है, वृंदावन की तरह है, इसे उसका नाम दे दिया उन्होंने कनक वृंदावन। तो वहाँ पे गोविंद देव जी के लिए मंदिर बनाया गया था छोटा सा, वहाँ पे गोविंद जी को शिफ्ट करते हैं उस मंदिर में जाएंगे कल जाएंगे। तो वहाँ पे राधा माधव के दिख रहे हैं, सुंदर जगह है, देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कनक घाटी बोलते हैं उसको, घाटी मतलब वैली पहाड़ों के बीच में। तो वहाँ पर गोविंद जी की सेवा होती है, राधा स्वयं वहाँ पे दर्शन करने आया करते थे, हरे काशी को आते थे। फिर राजा की इच्छा होती है छोटी सिटी बनाने की जय सिंह की, तो फिर वो यहाँ पे सिटी बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे बना किला बनाते हैं। तो गोविंद देव जी राजा के सपने में आते हैं, देखिए राजा कितने महान हैं, स्वयं भगवान उनके सपने में आ गए। राजा कैसे हैं, जो कि पूरे धन दौलत के बीच में रहते हैं। पहले भगवान ने सेवा दी रूप गोस्वामी से, जो कि बिल्कुल वैरागी थे, कौपिन और कंठा धारण करके रहते थे, कोई धन नहीं था उनको। अब भगवान कितने सेवा ले रहे हैं, जय सिंह से, जो कि बहुत ही धनवान ना। तो जो भक्ति है वो बाहरी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं करती, हो सकता है कोई बहुत ही धनवान हो तो बहुत अच्छा भक्त हो, हो सकता है कोई बहुत ही निर्धन हो कि भगवान का बहुत अच्छा भक्त हो, समझे। हो सकता है किसी का प्रोफेशन बहुत नीच हो पर भगवान बहुत अच्छा भक्त हो, सकता है किसी का जन्म बहुत नीच कुल में हुआ हो, चंडाल परिवार में जन्म हो, चंडाल मतलब जो कुत्ते खाते हैं, श्वाबच श्वाब मतलब गौ बच में देखते हैं गौ चंडाल, तो हो सकता है किसी का जन्म उस परिवार में हुआ हो, वो भी भगवान का बहुत अच्छा भक्त हो सकता है कोई जानवर की योनि में हो, वो भी बहुत अच्छा भक्त हो। तो भक्ति है वो बाहरी उपाधियों के ऊपर निर्भर नहीं करती, भक्ति क्या है आध्यात्मिक है, आत्मा का भगवान से संबंध है, शरीर तो उसकी कवरिंग है, मारे मारे बोलते हैं शरीर तो ढक्कन है, शरीर क्या है ढक्कन ढक्कन है, असली वस्तु तो जो बॉटल के अंदर है वो आत्मा है। तो दिन होते हैं ना दिन चिराग के अंदर होते रगड़ो तो बाहर निकल जाते हैं, तो जो आत्मा है वो उसकी तरह है, मेन एलिमेंट तो आत्मा है, शरीर तो आउटर कवरिंग है। तो शरीर की जितनी भी उपाधियाँ सब क्या है टेम्परे, मैटर नहीं, भक्ति में वो मैटर नहीं करते है ना, ऐसा नहीं कि धनवान व्यक्ति भक्त नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। तो राधे इतने महान है कि भगवान सपने में आके बोल रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम उसे इतनी दूर जा रहे हो। राजा के मन में भी आता है कि मैं तो अपना अपना घर बना रहा हूँ भगवान के घर के बारे में सोचा ही नहीं। फिर राजा क्या करते हैं अपने किले के बिल्कुल सामने भगवान गोविंद देव जी का मंदिर बना, बिल्कुल महल की तरह बनाते हैं। अभी आप देखेंगे गोविंद जी के दर्शन करने जाएंगे तो गोविंद देव जी के बिल्कुल फेस के सामने वो फोर्ट है,
मुझे नाम नहीं पता उसको, कर रहे हैं जय भूपाल की लहरा विजय सिंह कहते थे। महल है, विजय सिंह का महल है, वहीं रहता। तो सामने उनके रूम की खिड़की है, उनकी रूम की खिड़की से गोविंद जी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे फाइनली 50 साल के बाद गोविंद देव जी ये लगभग 300 साल हो गए यहाँ पे। तो ये गोविंद देव जी का स्थान है, यहाँ पे राधा रानी है, गोविंद देव जी और गोर गोविंद पीछे आए हैं, साथ में थी कविता विश्व तो ये गोविंद देव जी किन के विग्रह हैं, कौन से ज्ञान के अभी तक तो किन के द्वारा आवश्यक किए हुए हैं, रूप गोस्वामी उनके द्वारा स्थापित किए हुए हैं, उनके द्वारा आवश्यक किए हुए। तो इस प्रकार से गोविंद देव जी यहाँ पे जयपुर में प्रकट हुए। तो इसीलिए जैसे मेरा सॉन्ग आया है उसमें जाएगा गोविंद गोविंद, तो क्योंकि ये मुख्य विग्रह यहाँ पे आते हैं। तो जो फिर जो वैष्णव आचार्य हैं इस जयपुर को गुप्त वृंदावन के नाम से घोषित, ये क्या है गुप्त वृंदावन है ना। तो ये हो गोविंद जी। तो आज शाम को हम जाएंगे, तो आपने शेड्यूल में देखा होगा, पहले हम गोविंद जी का दर्शन करेंगे, 5 बजे हम निकलेंगे, फिर हम जाएंगे गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जो कि प्रयोजन के विग्रह हैं, मधु पंडित यूनिवर्सिटी क्या करते थे, उनको ये जंगल में प्राप्त हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी होती है। तो बताया जाता है कि जो 3 विग्रह हैं गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन, तो मदन मोहन जी के जो चरण हैं बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से होकर वो लोग वृंदावन में मिलते हैं, और जो गोपीनाथ जी उनका वक्षस्थल छाती देखना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मसल भी दिखाई देगी आपको। फिर मंगलराज में जाओगे गोपीनाथ जी के दर्शन करने तो बहुत भगवान की ना मस्कुलर आर्म है, छाती पूरी चौड़ी है, भगवान का सीना है बताया कि वो चौड़ा है, बृहद उराश बृहद मतलब बड़ा, तो वो मिलता है भगवान के वक्षस्थल से गोलो वृंदावन। तो गोविंद देव जी का जो मुख है फेस है वो मिलता है वह भगवान का जैसे गोलो वृंदावन। तो 3 विग्रहों के 3 अंग हैं, इस प्रकार से भगवान की बॉडी से इनको कंपेयर किया गया। जो राधा रमन जी हैं वृंदावन में तो तीनों उनमें विद्यमान हैं, उनके चरण भी उनका वक्षस्थल भी उनका मुख भी, तो एज इट इज भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन। इस विग्रह को तीनों का कंबाइंड बोल रहे थे, राधा रमन जी का विग्रह है, मदन मोहन जी के चरण कमल, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और गोविंद देव जी का मुख। तो राधा रमन देव जी के विग्रह कल आई थी उनका प्राकट्य दिवस, नरसिंह चतुर्थी के नेक्स्ट डे उनका प्राकट्य दिवस होता है राधा रमन देव। तो इस प्रकार से गोपीनाथ जी के विग्रह के दर्शन करने जाएंगे, फिर हम राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे, राधा दामोदर छोटे से विग्रह हैं, इनकी वर्षी श्री राजीव गोस्वामी किया करते थे, राजीव गोस्वामी को स्वयं रूप गोस्वामी विग्रह बना के देते हैं। तो इनके बारे में चर्चा कुछ कुछ हम आगे वाले क्लासेज में करेंगे, मैं तो ब्रीफ में बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ घूम जाएंगे। फिर हम जाएंगे राधा विनोद, राधा विनोदी लाली बोलते हैं, वो भी इतने से विग्रह हैं, वो छोटे से विग्रह हैं, इनको लोकनाथ गोस्वामी वर्षिप किया करते थे और वो उनको अपने गले में लेके घूमा करते थे, गले में टांग के वो अपने साथ ले आके। तो बताया जाता है लोकनाथ गोस्वामी तो बिल्कुल विरक्त थे, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान के पार्षद वैरागी आश्रम में समय व्यतीत करते। राधा विनोद जी को एक पेड़ में बना होता है ना खाली जगह, खोखला पेड़ होता है ना, उसके अंदर रखते थे, जब बारिश आती थी खुद बारिश में बैठते थे बाहर और भगवान को पेड़ के उसके अंदर रखते थे, वहाँ पर बारिश नहीं होती। तो इस प्रकार से वर्शिप करते थे, ये विग्रह भी सेल्फ मैनिफेस्टेड है, सेल्फ मैनिफेस्टेड मतलब बनाए नहीं गए प्रकट हुए। राधा रमन है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है, शालिग्राम शिला से खुद बने प्रकट हुए।
फिर लोगना को समझ के बिक्रे हैं राधा गुरोर, तो ये भी मैं जगह भूल गया यावट या रावल के पास मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे कुंड है, उसमें से वो विग्रह उनको लोगना को स्वामी को प्राप्त, तो वो विग्रह भी यहीं पे मार्केट के अंदर है, फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, तो यहीं पे विग्रह के दर्शन करने हैं। तो सारे ये चारों मंदिर एक ही सेक्स में हैं, आस पास के एरिया में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा गुरु। आपको पता है रास्ता? आपको पता है? पूछना पड़ेगा, गूगल बता दे। बस तो जाएगी राधा दामोदर, तो राधा विनोद तो बहुत पास पास में है, मेरी गोपीनाथ थोड़ा 10 मिनट का रास्ता है। तो ये चारों मंदिरों में शाम को विजिट करेंगे। गोविंद देव जी कल मंगलारती अटेंड करेंगे, परसों दर्शन करेंगे, परसों सुबह ट्रॉली निकलेंगे लखनऊ मंदिर के दर्शन, और कल को फिर हम कनक वृंदावन भी जाएंगे, इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे, कलता जी जगह है और सन टेम्पल है और दर्शन करेंगे। तो इनके कुछ कुछ लीलाएँ हैं, कुछ लीलाएँ हम उन्हीं स्पॉट्स पर जाकर चर्चा करेंगे, कुछ लीलाएँ हम यहाँ बैठे ऐसे गोविंद देव जी की लीला हमने यहाँ पर चर्चा। तो इस प्रकार से ये भगवान की जो लीलाएँ हैं उन्होंने चर्चा की। तो गोविंद देव जी बताया जाता है कुछ समय पर ब्रज के सबसे मुख्य विग्रह थे, रूप गोस्वामी वर्षिप करते थे, रूप गोस्वामी के जाने के बाद भी जीव गोस्वामी एक तरह से सभी गोस्वामी के हेड थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव होने के बाद। तो जब भी कोई मुख्य इवेंट होता था गोविंद देव जी के मंदिर में ही होता, उन्हीं से आशीर्वाद लेके सब चीज़ें शुरू किया, इधर से केंद्र बिंदु थे गोविंद देव। तो आप देखेंगे जयपुर के अंदर भी सुबह मंगलारती दर्शन पर जाएंगे तो देखना भी सुबह कितनी भीड़ होती है, 5 बजे मंगलारती होती है यहाँ पे, बहुत से लोग यहाँ मंगलारती यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, उसके बाद अपना काम धंधा शुरू करते हैं। आपको लगेगा नहीं कि सुबह के 5 बजे, मुझे याद है 11 साल पहले कैंप था, पूरा मंदिर भरा हुआ था, इतना बड़ा टेम्पल हॉल है सब भरा हुआ, 5 बजे परिक्रमा करने में इतना टाइम लग गया। कुछ लोग घर से माखन बना के लाते हैं बांटते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं ना, ये उनकी रोज की दिनचर्या है। यहाँ पे जो आस पास जो 4 मंदिरों का मैंने नाम बताया आपको, तो उनकी मंगल आरती के टाइम इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सभी मंदिरों के मंगल आरती के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं सबके 5 बजे हैं, इसका 4:30 है, इसका 5:45 है, फिर 5 है, फिर 5:15 है, 5:30, इस तरह से डिसाइड किया हुआ है ताकि अगर कोई चाहे तो सबके दर्शन कर, ऐसे वृंदावन ने किया हुआ गोस्वामी टेम्पल का टाइम इस तरह से डिसाइडेड है, तो वो चाहे तो सभी में बड़ा पति का दर्शन कर सकते, भाग भाग कर दर्शन करेगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर दर्शन कर सकते सबके दर्शन कर, बहुत दिव्य स्थान है। और आप सबका धन्यवाद है कि आप सब ना समय निकल आए हैं, तब तो हम यहाँ पे आए हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो जो शेड्यूल बनाया उसको फॉलो करें, है ना, कहते हैं कि दर्शन है वो आंखों से नहीं होते हैं, कानों से होते हैं। अभी आपने गोविंद देव जी के बारे में सुना था तो आपके अंदर इच्छा और बड़ी होगी दर्शन करने की, है ना, और आपने नहीं सुना हो तो भी साधारण आप जाते अपना दर्शन करके आ जाते, है ना। तो इसलिए जो मेन दर्शन होते हैं वो कानों से होते हैं, सुनना बहुत आवश्यक, जो भी प्रोग्राम बनाया गया है उसको अटेंड कीजिए, अपना अलग से कुछ प्रोग्राम रखूँगा, है ना, तब तक एक ये खाली टाइम है, आप लोग उधर भी चले गए हैं, आप तो निकल जाएंगे अपना फोन।
कि रहेंगे क्लास में बैठ के सो रहे, सोने का टाइम तो बोलेंगे तो बाहर निकाल दिए, रात में सो जाएंगे या फिर रात को लेट के बीमार हो जाएंगे। समझ रहे, हमारा उद्देश्य यहाँ पे ढूंढने आना नहीं है, हमारा उद्देश्य यहाँ पे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को फॉलो करो, ठीक है। तो दूसरा, मोबाइल से बच के रहें, वीडियो वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत से कीर्तन यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो, रिवाड़ी के यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो, बहुत से कीर्तन हैं। तो ये कीर्तन का ऐसा नहीं कि बहुत विशेष है, जब भी भगवान का कीर्तन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नाम को सुनना चाहिए, नाम को बोलना चाहिए। ऐसे ही मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, एक मंत्र ही बोला है उसका फायदा क्या, आपकी बनाई वीडियो क्या कैसा स्पेशल है। इसलिए हम सेवा देते हैं किसी पर्टिकुलर भक्त को कि वो अपना वीडियोस बनाएंगे, वो अपना सबको शेयर करते हैं, सबको बनाने की आवश्यकता नहीं। अपना मोबाइल स्टिक भी लेके आए हैं, बस उनका वो भी रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है, तो अपना सब वीडियोज आपको दे देंगे, आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं। अपना लेक्चर सुनिए, कीर्तन में पार्टिसिपेट, है ना। 20 लोग आए, 15 वीडियो बना रहे हैं, उससे भी उसका भी फायदा क्या, पांच बेचारे बैठे हैं, उनको भी लग रहा है कि हमने गलती कर दी, कैमरा हमारा कम क्वालिटी का है, हमें भी आईफोन लेना चाहिए। कैमरे से ध्यान हटा दीजिए 3 दिन के लिए, ना गाड़ी में जो हो रहा है वो होता रहेगा, आपकी जॉब चलती रहेगी, बिजनेस चलती रहेगी, 3 दिन में कुछ कमी होने वाली नहीं। तो 3 दिन आए हैं यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो धाम की वाइब्रेशन है उसको अब्सॉर्ब करने का प्रयास है ना। और यहाँ के जो विग्रह हैं बहुत विशेष हैं, दर्शन करने जाएंगे आपको पता नहीं, फर्स्ट टाइम आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बड़े और बहुत प्यारे ओरिजिनल बिलीज हैं, गोस्वामी इसके बाद सेवा किए हुए हैं, पटना का अपना ही। और नॉर्मली हम ज़्यादा आ नहीं पाते इसे, हम इंदा बच्चों के पास में हमारे रहते हैं, तो अच्छे से दर्शन कीजिए, अच्छे से सुनिए, आपकी लाइफ टाइम की मेमोरी हो सकती है। थोड़ा दर्शनों के बारे में और बताइए, दर्शन कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस तरीके से। दर्शन करने का तरीका बताया जाता है कि भगवान के जो दर्शन है वो चरणों से शुरू करने चाहिए, सीधा मुख में दर्शन नहीं करने चाहिए। ये कपिल देव भी अपनी माता देवभूति को श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंध के अंतिम अध्याय में बताते हैं कि भगवान के किस इस अंग के दर्शन करने से क्या क्या लाभ होता है। एक ही गंगा बनी होता है चौदह पढ़ सकते हैं, तो पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, विकास के खबीज के लेवल के अफसर के आर्म्स के, फिर मुख के दर्शन करने चाहिए, आईब्रोज के दर्शन करने चाहिए, फिर अगर आईब्रोज के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में जो काम वासना है वो खत्म होती है, ऐसा क्योंकि भगवान के जो आईब्रोज हैं कामदेव को राजी, तो एक एक अंग को ध्यान से दर्शन करना चाहिए। जैसे कुंती महारानी है, भगवान की प्रार्थना करती हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अनाभाय, क्योंकि भगवान की आंटी है भुवादी है, तो इसलिए भगवान को शर्म ना, इसलिए चरणों से शुरू नहीं करती है, तो नाभि से शुरू करती है। नमो पंकज नाभाय, जिनकी नाभि पंकज के समान है, कमल के समान है, नमः पंकज माली है, जिन्होंने पंकज कमलों की माला पहनी हुई है, नमः पंकज नेत्रा है, जिनके नेत्र हैं कमल के समान है, नमस्ते पंकज आंग्र है, जिनके चरण है वो पंकज के समान, चरणों के जान बुझ के एंड में आते हैं। तो जाति कैसे हैं, नाभि से फिर माला पे फिर आंखों पे फिर द्वारा समान, तो नीचे से ऊपर भगवान के दर्शन, ये भगवान के दर्शन, दर्शन को ध्यान से करने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं, कैसे वस्त्र पहने हैं, हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, वो
भगवान के कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिजाइन बना हुआ है, किसकी किसम का श्रृंगार है? मुझे चरण तो दिखते ही नहीं है, कपड़ों के नीचे रहते हैं हमेशा। मोस्टली चरण दिखते हैं, कई बार होता है कि फूल वगैरह आगे आ जाते हैं। राधा रानी के चरण नहीं दिखते हैं, तो लेडीज के चरण नहीं दिखाए जाते हैं, वैदिक समाज में ऐसा होता है। राधा रानी के चरण विजिबल नहीं होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है वहाँ हमेशा दिखते हैं। कई बार फूल माला यहाँ पर लगी जाती है, कुछ और वस्त्र आगे आ गया, पटका नीचे दिख गया, तो नहीं साधारण के दर्शन करने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप, पहले तो अपना शेड्यूल मत बनाइए, मोबाइल से साधना में है ना, आप उसमें कॉपरेट कीजिए। तो अकोमोडेशन थोड़ी सी हम्बल ली है हमने, ताकि जितना कम से कम हमारा एक्सपेंडिचर हो सर, उसके लिए इसका हमने प्रयास किया है। हमारे लिए सरबस उसी हो रहा है, तो उसके हम ठीक ठाक अकोमोडेशन है। जयपुर थोड़ा दूर भी पड़ता है, इसलिए प्रॉपर एकोमोडेशन और प्रसादम की फैसिलिटी है। वृंदावन हमारा मंदिर है, प्रसाद हमारा ऑलमोस्ट फ्री की तरह ही हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली है। तो प्रसादम देने आते हैं 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर कम से कम हो। दूसरा हमारा कारण था कि मंदिर के बिल्कुल पास ही है, सुबह मंदिर आते थे हमें दिक्कत थी, हम लोग उचित लगा था, तो इसलिए फिर भी प्रेफर की काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हमारा रेस्ट है, ढाई बजे हमारा प्रसाद होगा, और प्रसाद आने के बाद हम अपना नेक्स्ट सेशन लेंगे, पावर ऑफ एसोसिएशन सेशन है, उसका भी 5 बजे हम दर्शन करने के लिए निकलेंगे, तो लगभग 8-8:30 के आसपास वापस आएंगे। ड्रामा भी करते हैं सेशन के साथ? हाँ, ड्रामा फिर हम मंदिर के ड्रॉइंग करवाने के लिए, जो भी साइड है वो जिनका नीचे हो रहा था कि वो आएंगे वो नहीं आएंगे, हमारा नहीं है सेशन हम लेंगे। थोड़ा सा मुझे उसमें बेस के बारे में बताएंगे आपको, बेस क्या होता है, 5 बजे हम यहाँ से दर्शन करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट है किसी चीज़ के बारे में? जैसा कि बताया, दर्शन किस तरह से करने चाहिए, किन लोगों को दर्शन करने से क्या लाभ इसका, भगवान का भगवान के दर्शन किस तरह से करने चाहिए, सबों से शुरुआत करनी चाहिए? वैसे तो मुझे जिन लोगों को भी दर्शन कर, जैसे आपने भ्रगुटी के बारे में बताया कि काम पास करने वो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं है आपको। 3rd canto है श्रीमद्भागवत का, आपके सामने घूमने का बताएं करते हैं, वर्स नंबर 20 इससे शुरू करते हैं, थोड़ा बता देता हूँ मैं। वन शुड मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, भगवान के चरण कमलों पे लंबे समय के लिए ध्यान लगाना चाहिए। द लोटस फीट एक्ट लाइक थंडर बोल्ट्स हर्ड टू शैटर द माउंटेन ऑफ सिन स्टोर्ड इन द माइंड ऑफ द मेडिटिंग डिवोटी। भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से क्या होता है कि जो हमारे पापों के पहाड़ हैं वो उसी प्रकार टूट जाते हैं जैसे जो थंडर बोल्ट होता है, थंडर बोल्ट मतलब वज्र, जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से जो पहाड़ हैं बिल्कुल टूट टूट के मिट्टी के दानों की तरह बन जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के चरणों पर ध्यान लगाने से जो हमारे पापों के पहाड़ हैं वो टूट टूट के मिट्टी के दानों के समान हो जाते हैं। उन्होंने बताया हुआ है, आगे बताते हैं। Next, the yogi should fix his mind in meditation on the personality of Godhead's thighs. Yeah, na? The storehouse of all energy. The Lord's thighs are whitish blue, like the luster of the linseed flower, and appear most graceful when the Lord is carried on the shoulders of Garuda.
तो इस तरह से एक एक करके बताएंगे, वालों को बताएंगे वो टाइम मिल जाएगा, बहुत सी वर्सेस हैं। फिर लिखा हुआ नेवल, नाभि पर ध्यान लगाना चाहिए, उस नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है जैसे ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। फिर भगवान के वक्त सर में लगाना चाहिए, इस तरह से एक एक चीज का होता है बाद में। और कोई प्रश्न है? तो अभी एक बजा है, एक बजे से लेकर ढाई बजे तक का टाइम है आपके पास, तो आप रेस्ट कर लीजिए है ना। ढाई बजे फिर हम प्रसाद पाएंगे, तीन बजे हम सेशन शुरू करेंगे, तीन सवा तीन बजे आस पास। ठीक।